रही है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई रही, इसका निरीक्षण वो अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, काफी संख्या में पुलिस आई हुई है और पुलिस के अधिकारी उनके साथ हैं, जैसे कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई गई। आज मैं वार्ड नंबर 33 के मतदान केंद्र पर उपस्थित हूँ, जहाँ पर अभी भाजपा के प्रत्याशी रामनिवास त्रिपाठी जी मतदान करके आए हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आज उन्होंने मतदान किया है और उन्हें जनता का कैसा रेस्पॉन्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रामनिवास जी, आज अभी आप मतदान करके आए हैं और जनता भी आपके साथ काफी मैं देख रहा हूँ है, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर? जनता अपने जो मतदाताओं का मतदान केंद्र पर बड़ा हुजूम सा है, भीड़ लगी हुई है और बड़ा उत्साह है कि अपने मतों का उपयोग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, इस लोकतंत्र के इस महापर्व में ये अधिकारों को, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखा गया और इन्हीं अधिकारों के माध्यम से मतदाता अपने नेतृत्व को तय करता है और इन्हीं विचारों से लोकतंत्र हमारा चलता है। और क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपने इस मतदान का उपयोग करें और मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान ही आपके विचार हैं, मतदान ही आपके उस समाज को नेतृत्व को तय करता है। इसलिए आपका जो मुख्य अधिकार है, इस अधिकार का उपयोग करते हुए मतदान करें। अभी मतदान करके निर्दलीय प्रत्याशी धर्मवीर जी निकले हैं, मैं उनसे पूछता हूँ उन्होंने कैसा वहाँ पर भीड़ देखा, कैसा अनुभव? धर्मवीर जी, क्या आपने मतदान कर लिया? बहुत मैंने मतदान किया और लोगों में बहुत उत्साह भी देखा। पहली बार आज इतनी भीड़ होना, 8:30 का टाइम है अभी, लेकिन लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मैं सभी से फिर भी, मैंने पहले भी अनुरोध किया था, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और सही योग्य प्रत्याशी को चुनने का, ये मेरा जय हिंद जय भारत। DLF वार्ड नंबर 33 से भाजपा उम्मीदवार, वहीं साथ चल रहे कार्यकर्ता एवं भव्य चुनाव यात्रा निकाला गया।